हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। इन सब की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11th की क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं और लेक्चर नोट्स की आवश्यकता है आप, तो आप कंटिन्यू हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कंटिन्यू क्लास ले सकें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बेल आइकन प्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद ही बेल आइकन को प्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो ऑल बटन पर प्रेस करना होगा। ठीक है, तब आपको वीडियो की जानकारी जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए अब हम बात करते हैं भाई पहले मूल राशि की। ठीक है, और मूल राशि और मूल मात्रक दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन हम जानते हैं कि भाई मूल राशि होती क्या है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं कि मूल राशि एवं मूल मात्रक। अगर हम इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो यहां पर मूल राशि का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो चलिए हम लिख देते हैं, राइट कर देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो आपको पता चल गया भाई इंग्लिश में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कि स्वेच्छा से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। स्वेच्छा से चुनी गई क्या भाई, स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां जिनके मात्रकों क्या भाई, जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों क्या भाई, अन्य भौतिक राशियों, समझ गए ना मैंने क्या कहा कि स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों, आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, व्यक्त किए जा सकते हैं मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है भैया, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने सीख लिया, समझा होगा क्या कि भाई, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, सॉरी, स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियाँ जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ भौतिक राशियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तथा तथा इनके मात्रक, यहीं से परिभाषा बन जाती है मूल मात्र की। ठीक है, तो तथा जो ये मूल राशियां हैं, तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते ओके, अंडरस्टैंड। अब हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं भाई। अब जैसे में हम उदाहरण देकर आपको बताते हैं यहाँ पर क्या भाई, जैसे जैसे लिख दिया जाए या उदाहरण लिख दिया जाए, एक ही बात है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि भाई, मैंने क्या बताया कि वे सभी राशियाँ जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को? मतलब वे सभी राशियाँ जो है जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हैं, समझ गए ना बात को हमारी, वही मूल राशियाँ कहलाती हैं, और यही मूल राशियों के मात्रक जो है मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैंने कहा कि अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको थियरी यहाँ पर लिखूंगा नहीं, राइट नहीं करूँगा, मैं आपको बस ऐसे ही बता दूंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि विभिन्न भौतिक राशियों के लिए जो है अलग अलग मात्रकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो विभिन्न जो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, तो भौतिक राशियों के लिए अलग अलग मात्रकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अलग अलग भिन्न भिन्न, ठीक है, तो भिन्न भिन्न या अलग अलग मात्रकों की आवश्यकता होती है, यद्यपि भौतिक राशियों की संख्या क्या हो, यदि भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, अनेक भौतिक राशियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। अतः उनके मात्रक जो हैं क्या होंगे, परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम चाल बराबर दूरी बटा समय, चलिए हम लिखते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा समय। तो चलिए देखते हैं भाई, चाल बराबर दूरी, यहां पर नहीं लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, अंडरस्टैंड, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला हुआ। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब यहां पर मैं आपसे बताऊं एक चीज, अगर हम यहां पर चाल और समय के मात्रक को रख दें तो लंबाई यहां पे व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगी, दूरी और समय के मात्रक को रख दें तो चाल व्युत्पन्न मात्रक तो है ही है। ठीक है, चाल तो पूरी तरह से व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर दूरी के पदों में निकालना है, ठीक है, सॉरी, चाल के पदों में दूरी का मात्रक निकालना है, तो दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगी कि नहीं, अगर एक सिस्टम से समझा जाए तो। चलिए आपको दिखाते हैं, या करके इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि दूरी बटा समय है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। नहीं समझे?
भाई ये दूरी बटा समय, समय अपान में है ना, तो समय इधर चला जाएगा चाल की तरफ, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, दूरी इधर बच जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब यहाँ से दूरी के, दूरी का जो है, दूरी का जो मात्रक है वो चाल गुणे समय के पदों में निकालना है भैया, तो कैसे निकलेगा, आएगा तो दूरी का मात्रक वही ना जो दूरी का मात्रक होता है भाई, जैसे लंबाई, भाई दूरी का मतलब क्या हुआ, लंबाई तो ही हुई, और लंबाई का मात्रक क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मीटर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, चाल का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड गुणे सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पे मीटर बचेगा, सिंपल सा, ठीक है। तो इस फार्मूले से भी हम दूरी के मात्रक को निकाल सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर चाल व्युत्पन्न मात्र, व्युत्पन्न राशि का भी मात्रक यूज हो रहा है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक यूज होगा तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी इस केस में, फॉर्मूले के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था बताना, ठीक है, नहीं कोई हमें जरूरी नहीं था बताना, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर चाल बराबर जो दूरी बटा समय है, ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको थियरी में लिख देते हैं, या फिर आप चलिए लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो। अतः यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय में देखिए आप, ठीक है। तो चाल का जो है, चाल का मात्रक भाई, चाल का मात्रक कैसे निकलेगा भाई, दूरी जो है, दूरी का मतलब क्या हुआ, जो लंबाई होती है, समझ गए ना। तो चाल का मात्रक जो है दूरी तथा समय के मात्रक, किसके, समय के मात्रक, क्या, समय के मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है भैया, व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ पर लग गया है, सॉरी ये गलत हो गया है, इस पे ध्यान देना ये, ठीक है, व्यक्त, व्यक्ति नहीं, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर चाल का मात्रक दूरी लंबाई तथा समय के मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है, समझ गए ना भाई, दूरी मतलब लंबाई तथा समय के मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है भाई, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, और समय का मात्रक जो हो जाएगा वही सेकंड हो जाएगा, तो चाल का मात्रक आसानी से निकल आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर भी आप अगर यहाँ पर ना समझे तो यहाँ पर समझ लीजिए, सिमिलरली इसी प्रकार आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्या कि भाई हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्या क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भैया, तो लंबाई का स्क्वायर ही तो होता है क्षेत्रफल, क्या, लंबाई का स्क्वायर, ओके, लंबाई का स्क्वायर ही तो होता है भैया, है ना। और यहाँ पर चलिए हम आयतन ले लेते हैं, तो आयतन भैया क्या होगा, लंबाई का क्यूब हो जाएगा, ओके, ये हुआ कि नहीं हुआ, लंबाई का क्यूब हो गया, ध्यान से समझिएगा भाई। अब यही इसी प्रकार यहाँ पर जैसे चाल का मात्रक जो है दूरी तथा समय के मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है, तो चाल यहाँ पर क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि हुई कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूल मात्रकों से जो है बनी राशि जो है मूल, सॉरी व्युत्पन्न राशि कहलाती है, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, इतना ही तो है ना। तो
इसी प्रकार यहां पर क्षेत्रफल में देख लीजिए, क्षेत्रफल जो है लंबाई का स्क्वायर, आयतन जो है लंबाई का क्यूब, है ना। तो यहां पर क्या होगा भाई कि अतः यहां पर भी लिखना होगा, क्या लिखना होगा भाई, आप लोग भी थोड़ा साथ दो, हेल्प करो हमारी साथ में। चलिए लिखते हैं, अतः क्षेत्रफल, क्षेत्रफल व आयतन के क्या, क्षेत्रफल व आयतन के मात्रक, क्षेत्रफल व आयतन के मात्रक लंबाई, क्या लंबाई के पदों में, लंबाई के पदों में, ठीक है, लंबाई के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं। समझ गए ना, यहाँ पर भी तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। कि देखा ना क्या लिखा, कि क्षेत्रफल व आयतन के मात्रक, क्षेत्रफल व आयतन के मात्रक लंबाई के पदों में, ये लंबाई, ठीक है, लंबाई के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन क्या हुआ भाई, व्युत्पन्न राशि हुई ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी थियोरी और लिख देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को जानना, इसलिए, ठीक है। तो यांत्रिकी मैकेनिक्स स्पीड में, ठीक है, सभी भौतिक राशियों को, जो कि आप पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, सभी भौतिक राशियों को लंबाई, ध्यान से सुनते रहिएगा भाई और राइट भी कर लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया भाई, तथा समय, टाइम, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों, क्या भाई, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों के पदों में, मात्रकों के पदों में सरलता से व्यक्त किया जा सकता है भैया, क्या सरलता से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अतः यहां पर ध्यान से सुनते रहिएगा, अतः यहां पर क्या होगा भैया कि ये मूल राशियां, कौन सी मूल राशियां भैया, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, ठीक है। तो ये मूल राशियां हैं, क्या हैं, ये मूल राशियां हैं, ठीक है। और यहां पर लंबाई, द्रव्यमान व समय का, ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, लंबाई कामा द्रव्यमान व समय, लंबाई, द्रव्यमान व समय का कोई भी मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान व समय का कोई भी मात्रक मूल मात्रक है, समझ गए ना भैया, ये थियरी इंपॉर्टेंट थी जानना आपको। और एक पॉइंट यहां पर और बता दें, क्या, जो कि हम राइट नहीं करने वाले हैं, कि यांत्रिकी में, ठीक है, यांत्रिकी मैकेनिक्स में केवल और केवल आपको तीन मूल मात्रक पढ़ने हैं, ठीक है, या यहां पर यांत्रिकी में ज्यादा से ज्यादा यूज आपको तीन मूल मात्रकों का ही मिलता है। वो कौन कौन से मूल मात्रक हैं यांत्रिकी में, इसीलिए यांत्रिकी मैंने लिख दिया, यहाँ पर राइट कर दिया कि यांत्रिकी में जो है सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों के पदों में सरलता से व्यक्त किया जा सकता है, समझ गए ना। तो ज्यादातर जो है यांत्रिकी में आप अगर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे,
तो वहां पर लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों के पदों में ही जो है आपको व्युत्पन्न मात्रक निकालने या फिर बनाने में आसानी रहेगी, और लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों के पदों में सरलता से व्यक्त करना किया भी जा सकता है, क्योंकि ये इजीली जो है इसको लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का यूज करके जो है अन्य व्युत्पन्न राशियों के मात्रक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया क्या कि यांत्रिकी में केवल तीन मूल मात्रक हैं, और वो कौन कौन से मूल मात्रक हैं? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय। यांत्रिकी में केवल तीन मूल मात्रक है, ध्यान से सुनिएगा, ये हम लिख नहीं रहे यहाँ पर, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, ये तीन मूल मात्रक हैं यहाँ पर, ठीक है, यही है, ठीक है। और भौतिकी की सभी शाखाओं में जो है, ठीक है, केवल सात मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, केवल और केवल सात मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, वहां पर इंटरनेशनल सिस्टम आपको पढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ाएंगे, ठीक है, वहां पर हम सारे सात मूल राशियां लिखेंगे और सातों के मूल मात्रक भी, सॉरी सातों के, हाँ, मूल राशियां सात हैं, तो मूल राशि अगर सात हैं तो मूल मात्रक भी सात ही होंगे भाई, ज्यादा तो होंगे नहीं, ठीक है, सबके अपने अपने हैं, बस कोई किसी का एक ज्यादा तो हो रहा है, ठीक है, तो समझ में आई बात। तो सात पूरी भौतिक शाखा में जो है हमारे जो है सात मूल राशियां पढ़ने को मिलेंगी, और हम उनका जो है डिस्क्राइब जो है कौन कौन सी मूल राशियां हैं वो सात, उसका जो डिस्क्राइब मैं करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ठीक है, तो इसकी चर्चा हम आगे, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्युत्पन्न राशि, क्या पढ़ेंगे भाई, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि एवं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, तो यहां पर भाई लिख देता हूं मैं, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड derived units, ठीक है, तो अब हम ये चीजें पढ़ेंगे भाई कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भाई जो मूल राशि का परिभाषा था उसी के जस्ट विपरीत है यहां पर व्युत्पन्न राशि की परिभाषा और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि वे सभी राशियां, यहां पर राइट करता हूं, वे सभी राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सकें, मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सकें, ठीक है, वे सभी राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सकें व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, समझ गए ना, और तथा इनके मतलब व्युत्पन्न राशि के मात्रक, तथा इनके समझ गए ना, तथा इनके मात्रक को, यहां पर क्या हुआ, तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं,
व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कि नहीं? वे सभी राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सकें व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, तथा इनके मात्रक मतलब व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसमें जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या जैसे भाई व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? देखिए चाल हो गया, बल हो गया, घनत्व हो गया, और कौन कौन सी भाई बताइए कुछ, आपको भी आपने भी पढ़ा है बताइए कुछ, त्वरण हो गया आदि, और बहुत सारी हैं। ठीक है, आदि व्युत्पन्न राशियाँ हैं भाई, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, इनका कोई भी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है, इनका कोई भी मात्रक इनका कोई भी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। समझ गए ना? तो यहाँ पर आप समझ ही गए हैं कि चाल, बल, घनत्व, त्वरण आदि बहुत सारी हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी लिख दी गई हैं। ठीक है, और आदि लगा दिया गया कि बहुत सारी हैं और आगे। ठीक है, तो चाल, बल, घनत्व, त्वरण आदि व्युत्पन्न राशियाँ हैं, इनका कोई भी मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि भाई वे सभी राशियां जिनका मात्रक जो है मूल मात्रक से प्राप्त किया जा सके, ऐसे ही याद हो गया होगा आपको, इसमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सा है कि वे सभी राशियां जिनका मात्रक जो है मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सके व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, और तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि भाई कोई पूछ ले आपसे कि व्युत्पन्न राशि कौन सी है, तो चाल, बल, घनत्व, त्वरण ये व्युत्पन्न राशि हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या है भाई? तो चाल, चाल व्युत्पन्न राशि है, तो चाल का जो मात्रक निकलेगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। बल व्युत्पन्न राशि है, तो बल का जो मात्रक निकलेगा बल का वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। घनत्व व्युत्पन्न राशि है, घनत्व का जो मात्रक निकलेगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। त्वरण व्युत्पन्न राशि है, और अगर इसका मात्रक निकलेगा तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं भाई। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हैं, लेक्चर नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिए, तब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिल जाएगी, तो आप कंटिन्यू क्लास कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पर मिलेंगे।